हेलो दोस्तों, हम होली खेलते हैं तो होली खेल के हमें बहुत मजा आता है, पर दोस्तों जब हमारा रंग नहीं निकलता है तो हमें बहुत परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं रंग उतारने का नया तरीका दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले जितना मेरे पास साफ हो सके मैं उतना साफ कर लूँगा अपने रंग को, ठीक है। तो ये देखिए, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये है हमारा पेस्ट। जी हाँ, ये हमने घर के सामान से ही बनाया है जो घर में खाने में यूज़ होता है। जी हाँ, तो उसे हम हल्के हल्के से जहाँ पर हमारा रंग लगाए वहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और इसे थोड़ी देर हम सूखने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये देखिए सूख चुका है, तो इसे देखिए अब हम इसे साफ करता हूँ। तो ये देखिए, इसके साथ साथ हमारा रंग भी उतर जाता है पूरा पूरा, जैसे आप देख सकते हैं, है नहीं दोस्तों, एक कमाल की टेक्निक। तो दोस्तों इस पेस्ट को बनाना भी उतना ही ज़्यादा आसान है। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ दही को। जी हाँ, दही, दही हमारी पाचन क्रिया के लिए भी बहुत बढ़िया होती है। तो चलिए अब इसे रखते हैं, ठीक है। और अब इस पुड़िया में लेते हैं हम अपना बेसन, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। जी हाँ, तो इस दही में मैं अपने बेसन को मिला दूंगा, ठीक है, एक चम्मच ले लेंगे। तो ये ठीक, मैंने ले ली है। और अब लेते हैं एक और पुड़िया, इसके अंदर है दोस्तों हल्दी। जी हाँ, हल्दी, और हल्दी तो पता ही आपको हमारे पेट के लिए और हमारी स्किन के लिए कितनी अच्छी होती है। तो चलिए अब लेते हैं हम दोस्तों नारियल। जी हाँ, नारियल का तेल, और जाड़े में तो नारियल का तेल दोस्तों एकदम अमृत का काम करता है। जी हाँ, तो थोड़ा सा मैं नारियल का तेल ले लेता हूँ। तो मैं इसे गाढ़ा नहीं, बिल्कुल मेल्ट कर लेना है, बिल्कुल, जी हाँ, पानी के रूप में कर लेना है। ये देखिए मैंने कर लिया है, और अब हम इसे पेस्ट के अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है, और दोस्तों हमें इसे गाढ़ा ही रखना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इसे थोड़ी देर के लिए रख के छोड़ देंगे, ठीक है। और अब लेते हैं दोस्तों अपने फूलों से बने रंग को। जी हाँ, ये फूलों से हमने रंग बनाया है। अगर आपको इसकी पूरी वीडियो देखनी है आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। जी हाँ, ये पूरी तरीके से नेचुरल है। जी हाँ, तो चलिए अब मैं इस रंग को अपने हाथ पर लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप कितने मैं गाढ़ा गाढ़ा लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसे जितना हो सके पहले उतना साफ कर लूँगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जितना हो सके मैंने उतना साफ कर लिया, फिर भी निशान रह जाता है, ठीक है। तो अब लेते हैं दोस्तों अपने घर पे बने हुए पेस्ट को, और जहाँ जहाँ पे हमारे गुलाल का निशान है वहाँ वहाँ पर लगा देंगे इसे, ठीक है। हम अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से लगा देना है, और थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, पूरी तरीके से सूख चुका है, और इसे अब साफ करते हैं, ठीक है। और अब ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं इसके ऊपर कपड़ा फेरता हूँ तो ये देखिए हमारा कलर पूरी तरीके से उतर चुका है, जैसे आप देख रहे हैं। तो चलिए मैं इसे पूरी तरीके से साफ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा हाथ ऐसा हो गया जैसे मैंने होली खेली नहीं हो। जी हाँ, है नहीं दोस्तों, एक कमाल का पेस्ट। तो चलिए मैं आपको इसे फिर से करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने रंग लिया है और अपने हाथों पर लगा दिया है, और अब जितना हो सके मैं उतना साफ कर लेता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो अपना पेस्ट लेते हैं, और जहाँ जहाँ हमारा गुलाल है वहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने लगा दिया है, और अब इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा पेस्ट अब पूरी तरीके से सूख चुका है, और अब इसे कपड़े से साफ करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरीके से साफ हो जाता है। जी हाँ, हमारा रंग पूरी तरीके से साफ हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों। ये पेस्ट दोस्तों काफ़ी आयुर्वेदिक भी है। जी हाँ, ये हमारी स्किन को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और बल्कि फ़ायदा ही देगा, जैसे आप देख रहे हैं मेरा हाथ भी कितना सुंदर हो गया है। जी हाँ, इस पर गुलाल लगा था, और जैसे ही मैंने इसे पेस्ट लगाया तो मेरा हाथ पूरी तरीके से साफ हो चुका है, जैसे मैंने कहीं होली खेली नहीं हो। जी हाँ, तो दोस्तों इसके लिए तो एक लाइक बनता है। और आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।